Welcome back again. So in the previous lecture, we just completed the series combination and parallel combination. Let us understand something more about these two combinations. Okay. So हमारे पास दो resistor है, R1 और R2. R1 का value 10 ohms है, R2 का value 5 ohms है. पहले इनको हमने series में connect किया, बाद में हमने इसको parallel में connect किया, बराबर है. तो हमें compare करके find करना है values को, क्योंकि दोनों same resistor है. तो series में क्या value आ सकता है, वो parallel में क्या आ सकता है, बराबर. तो जैसे कि सीरीज में तो RS क्या होगा, R1 प्लस R2. देखो RS क्या हो जाएगा, R1 है 10 ohms, R2 है 5 ohms, 10 प्लस 5 15 ohms. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज. पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो क्या फॉर्मूला है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, दैट इज 1/RP = 1/10 + 1/5. इसे फर्दर में 1/10 + 2 × 5 × 2 कर सकता हूँ, बराबर. Therefore 1/RP = 1/10 + 2/10. Therefore 1/RP = 3/10. और इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो RP = 10/3. तो RP का वैल्यू इस तरह से 3.3 के आसपास आ जाएगा ओम्स. तो हमने दो सेम रेजिस्टर के वैल्यू को लिया था, एक को जब सीरीज में कनेक्ट किया तो आंसर 15 ओम्स आया, जब उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो आंसर 3.3 ओम्स आया, बराबर. इससे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ता है कि जब आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है. 10 ओम था, 5 ओम था, मिलकर कितना हो गया, 15 ओम्स, बराबर. तो सर्किट में इसकी वजह से जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है क्या हो गया, बढ़ गया है. वही अगर दो चीज़ों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 3.3 ओम कम हो गया. इंडिविजुअल रेजिस्टर जो है 10 ओम 5 ओम उनसे भी कम है, बराबर. और यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है उनसे ये ज़्यादा है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सीरीज में हम जब कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर, उसका वैल्यू बड़ा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टर से. और जब हम कनेक्शन पैरेलल में करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर, बराबर. तो आपको अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, बोला कि 2530 + 3690 + 4 ohms, बराबर. ये चार तीन रेजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये तीन रेजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल के अंदर. आप वैल्यू फाइंड करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का. सपोज मैंने ऐसा दो एग्जांपल दे दिया, ये नॉर्मल सा ऐसी एग्जांपल है. और मेरा एग्जांपल हो गया ऑप्शन में, एक आंसर हो गया आपका 2 1 0, दूसरा जो एग्जांपल है वो 4 3 0, और तीसरा एग्जांपल जो है वो 2, बराबर. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है पैरेलल का. तो हमें क्या देखना है, इसे एक्चुअल कैलकुलेशन आप मत कीजिए, आप तीनों वैल्यूज के पास जाइए, देखिए सबसे छोटा वाला कौन सा है उसमें से, 4 ओम्स है. और ऑप्शन जाइए और ऑप्शन देखिए उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 2 ओम्स है. तो 2 ओम्स विल बी अ करेक्ट आंसर. अब सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है. पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा ना, इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर. यहाँ पर क्या पड़ा, इक्विवेलेंट इज लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर. ये देखो ना, इक्विवेलेंट इज लेसर देन द इंडिविजुअल, इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल. फॉर्मूला तो आती है हमको, ये सर्किट में क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, और ये सर्किट में क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम कर देता है. अगर आपको सीरीज पैरेलल समझ गया तो इसे आप कॉपी कर लीजिए.